ये वाला ये भी खूबसूरत फोर सा, फिफ्टी ये है, 450 का बड़ा खूबसूरत सा ही मोल्ड है ये। ये जो अपने मोल्ड में इस्तेमाल होते हैं, ये केक के मोल्ड्स हैं, 10 इंचेस, ये सारे मोल्ड्स वगैरह हैं उनके, तो ये हर साइज में आपको मिल जाएगा। जी ये देखिए, ये पिज्जा पैन है, ये आपको मिल जाएगा आप। ठीक है उसके बाद ये 8 इंच में होते हैं, जी। ये आपको 25 का मिल जाएगा, ये आपको 18 रुपीज का पड़ जाएगा, ये हाई एंड वाला। अगर इसमें नॉर्मल लेंगे वो आपको 50 का भी मिल जाएगा। अच्छा, 50 वाला भी है, सही है। बटर और ये इसके प्राइस 850 रुपीज, ये कितना है ये? 1 kg का पैक है, देखें ये 70-30 होती है, चैटर और मोजरेला मिक्स। इसके क्या रेट हैं फैतर भाई? ये हम 500 रुपीज इसका होता है, 480 की भी दे देते हैं। इसके प्राइसेस क्या क्या हैं कुछ इसकी बताएंगे? प्राइसेस मिक्स है, कोई 400 के है, कोई 650 के है, ठीक है। और ये जो जैसे ये शीट है ये 1000 की है, ऐसे इनके मिक्स रेट है। और अच्छा, इसी तरह ये कपकेक के लिए है, डोनट्स के लिए है, चॉकलेट है, ये लोकल में आ जाती है, ये आपको मिलेगी 750 रुपए की 1 किलो। ये बहुत अच्छी चॉकलेट है, टेस्ट में भी अच्छी है और वैसे क्वालिटी वाइज टेक्सचर वाइज दोनों में बहुत अच्छी है। इसी तरह ये हमारे पास स्प्रिंकल्स हैं केक की डेकोरेशन के लिए, इसमें डिफरेंट डिजाइन होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास काफी वैरायटी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोगों की बहुत फरमाइश थी कि कोई ऐसी शॉप बताएं जो लाहौर में मौजूद हो जहां से हम लोग बेकिंग टूल्स खरीद सकें और बेकिंग आइटम्स खरीद सकें। आज हम जिस शॉप पे कर रहे हैं उधर ये बेकिंग मोल्ड्स भी मिल रहे हैं, हमारे पीछे पूरी वैरायटी लगी हुई है, बेकिंग आइटम सब मिल रहे हैं, चीज भी मिल रहा है, क्रीम भी मिल रही है। चलिए इनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनके आइटम्स के रेट्स क्या हैं, क्वालिटी कैसी है और उनकी शॉप कहाँ पे है। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं? खरीद से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा फैसल भाई, ये लाहौर के अंदर तो हमें वाइट शॉप अभी तक दिखी है जिसके अंदर एक ही छत के नीचे बेकिंग का सब सामान है, तो जरा आप लोगों को भी दिखाएंगे कुछ मोल्ड वगैरह और डिफरेंट चीजें बेकिंग की। ये चॉकलेट मोल्ड है, ठीक है। ये चॉकलेट मोल्ड के इस्तेमाल होते हैं, ये 350 का इंच है, 350 का इंच है, जी सही, ठीक है, सही। ये बाहर की निस्बत आपको होलसेल रेट पे प्राइस पे मिलेंगे, सही, ठीक है। और ये सिलिकॉन मोल्ड होते हैं, सही है, ये केक के लिए सिलिकॉन मोल्ड है, ये भी हमारे होलसेल रेट पे होते हैं, सही है। 650 का है, 650 पे आगे हम 600 का लगा देंगे, सही है, जो प्राइस है उससे भी इंक्रीज कर देते हैं, सही है। अच्छा ये क्या चीजें हैं? ये भी सब, ये भी सिलिकॉन मोल्ड्स वगैरह हैं सर। और इनकी क्या रेट्स होंगे? इनका भी ये है 200 का आपको मिल जाएगा। ये किस चीज काम में आता है? ये हैप्पी बर्थडे का मोल्ड केक्स के ऊपर। अच्छा अच्छा, हैप्पी बर्थडे का अच्छा मोल्ड है ये, सही है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह इसके ऊपर बने हुए हैं। अच्छा, मोल्ड्स वगैरह डिजाइनिंग के लिए, सही है, ऊपर सही है। वैरायटी तो काफी आपके पास, जी बिल्कुल। ये केक के मोल्ड्स हैं जो केक के साइज में होते हैं, 10 इंचेस, 10 इंचेस, ये सारे मोल्ड्स वगैरह हैं उनके, हर साइज में आपको मिल जाएगा। अच्छा, इनके प्राइसेस क्या हैं? ये इनके प्राइसेस हैं, ये इनके प्राइसेस 150 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 150 से, यानी ये 150, सही है, ये 200 का, ठीक है। इनके सारे साइज आपको मिल जाएगा, ये चौरस में है, सही है, इनमें गोल में ब्राइट भी मिल जाएगी आपको, गोल में जैसे ये है, ये बोथ साइजेस में भी हैं सारे। अच्छा वाह, भरपूर वैरायटी आपके पास। अच्छा, ये पिज्जा के अलग होते हैं या यही? ये पिज्जा के अलग होते हैं। अच्छा, ये केक्स के हैं, केक्स के हैं ये। अच्छा, ये कितने कितने के पड़ेंगे, जरा प्राइस बताएंगे? ये 150 का, ये 200 का, ये 250 का, ये 300 का, ये 400 का, ऐसे आपको होलसेल रेट पे मिलेंगे, जो बाइक प्राइसेस हैं उससे हमारे कम रेट होंगे 100%, सही है, ठीक है। बस लोगों को ये चाहिए सस्ती और मयारी चीज, जी। देखिए ये पिज्जा पैन है, ये आपको मिल जाएगा, आपको 200 का मिल जाएगा, सही है। इसमें भी यही साइजेस हैं, ये छोटे साइजेस में है, ये बड़े साइजेस में भी है। बड़ा साइज कितने का है, छोटा साइज कितने का है? जो 12 इंच वाला बड़ा साइज है वो आपको मिल जाएगा 350 का, सही है। सबसे छोटा जो है वो आपको 150 का मिल जाएगा, सही है, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये सबसे छोटा वाला साइज ये कितने का? ये आपको 80 का मिल जाएगा, ये 80 का मिल जाएगा, सही, ठीक है। उससे बड़ा जो है वो 150 का मिल जाएगा, ये वाला, सही, ठीक है। उससे बड़ा जो है आपको वो जो 12 इंच वाला है जी, वो आपको मिल जाएगा 300 का मिल जाएगा, सही है। ये क्या चीज है फैसल भाई? ये केक के लिए होता है, ये डोली केक होता है, जो हाइटेड केक होता है। ओह अच्छा, वो भी आपके पास? जी जी बिल्कुल, सही है। केक के लिए होते हैं ये, अक्सर हाइट केक के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही है। ये कितने का पड़ेगा? ये आपको 400 का मिल जाएगा, 400 का, इसमें इंक्रीज भी हो जाएगा, आपको 300 का लगा देंगे डिस्काउंट कर, सही है। होलसेल रेट होते हैं, कस्टमर आता है उनको हम होलसेल रेट भी कर देते हैं, सही है। उसके बाद ये बेसिस होती है केक्स की, ठीक है, ये 10 इंच की बेस है, ठीक है, ये 35 की मिल जाएगा आपको, सही है, ये 40 की मिल जाएगी, ये 12 इंच में होती है, सही, ठीक है। उसके बाद ये 8 इंच में होते हैं, जी, ये आपको 25 का मिल जाएगा, सही है। ये इनके बोर्ड होते हैं जो केक हाइटेड बोर्ड होते हैं, जो वेटली बोर्ड, सही है, केक बेकिंग बोर्ड होते हैं,
अच्छा ये आपने इसकी साइज बताया, इसमें सबसे छोटा साइज कौन सा है? सबसे छोटा साइज है ये वाला, ये आपको मिल जाएगा 6 इंच का। कितना? ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 10 रुपीज। 10 रुपीज में? तो व्यूअर्स आपने 10 रुपीज का लेना हो या सबसे बड़ा लेना हो, केक के हर साइज ही आपके पास? सारे साइजेस हैं। बोर्ड में भी सब साइजेस हैं आपके पास? सारे साइजेस हैं। अच्छा ये बड़ा साइज कितने का है? सबसे बड़ा जो साइजेस है ये 160 का आपको मिलेगा। 160 का मिलेगा, सही है। उसके ऊपर ये तकरीबन 2 पाउंड का बनेगा, ये होते हैं 4 पाउंड वाले, 3 पाउंड वाले, और ये 1 पाउंड का होता है। अच्छा सही है, ठीक है। ये बॉक्सेस हैं? ये हाइटेड में बॉक्सेस हैं 12x12x12 का। ये जैसे 12x12 हाइटेड बॉक्स की मांगता है, हम उसको दे देते हैं। अच्छा, इसका वैसे प्राइस डिटेल प्राइस बाहर देते हैं 200-210 का जी, हम 180 का दे रहे हैं। तो मतलब आपके पास आए केक का सामान लेना, उसको फिर पैक करना हो, किसी को गिफ्ट करना हो, सब मिल जाएगा? मिल जाएगा। अच्छा इसमें कितने डिजाइन है फैसल भाई आपके पास? इसमें ये 12x12 वाला भी है, ठीक है। उसके बाद ये 12x7 वाला भी है, ये देखिए, ये आपको दिखा रही है, ये विंडो वाला। अच्छा विंडो वाला, ये देखें, सही है, ये आपको मिल जाएगा। इस तरह ये कितने के पड़ेगा? ये जो बॉक्स है ये आपको मिलेगा 80 रुपीज का। 80 रुपीज का। इसमें ये तकरीबन कितने पाउंड का केक आ जाएगा? इसमें मैक्सिमम 3 पाउंड भी आ जाता है, 2 पाउंड भी आ जाता है, 4 पाउंड भी आ जाता है इसमें। अच्छा बिल्कुल, अगर छोटा चाहिए कम रेंज में वो आपको मिल जाएगा। वो आपको जैसे भी ये बॉक्सेज है आपको छोटा 1 पाउंड के लिए चाहिए जी, तो उसके लिए ये होगा हाइब्रिड में ये 1 पाउंड। अच्छा ये कितने का पड़ेगा? ये आपको 80 रुपीज का पड़ जाएगा, ये हाई एंड वाला। अगर इसमें नॉर्मल लेंगे वो आपको 50 का भी मिल जाएगा। अच्छा 50 वाला भी है, सही है। हाँ। सही है, ठीक है। ये कपकेक से लिए होते हैं बॉक्सेस, 4 अच्छा। कपकेक वाला। अच्छा ये भी है, ये देखें। हाँ, ये 4 कपकेक वाला बॉक्स होता है, सही है, ठीक है। और इसकी क्या प्राइस होगी? इसकी प्राइस 50 रुपीज। 50 रुपीज में विंडो वाला। अब मैं लोग, अच्छा ये बन के ऐसा हो जाता है? जी जी नहीं, ये बेसिकल तौर पर ये अलग डब्बा है। अच्छा। ये अक्सर कोई पैकिंग के लिए करते हैं, खजूरे वगैरह पैक करने के लिए। जी जी, अच्छा ये भी होता है आपके पास? जी बिल्कुल, ये भी होता है। ये कितने का पड़ेगा? ये आपको मिल जाएगा 150 का। ये व्यूअर्स देखिए, बड़ा अच्छा चीज है, अक्सर गिफ्ट आइटम्स के लिए चाहिए होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 खाने बने हुए, तो उसके अंदर आप कुछ भी गिफ्ट आइटम्स, चॉकलेट हो गई, खजूर हो गई, टॉफीज हो गई, रख के आप एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये वाला से ज्यादा कस्टमर की डिमांड होती है, 6 कपकेक्स वाले बॉक्स की। सही है, ये कितने का पड़ेगा? ये 65 का बस, ओनली 65 का बस। बाहर से लेते हैं वो 80 रुपीस का देते हैं, सिर्फ का ये डब्बा। सही है, 65 का देते हैं। सही है। उसके बाद 1 पाउंड 2 पाउंड वाले ये वाले बल्क बॉक्स, ओहो कंटेनर बॉक्स बोलते हैं, ये देखो पैकिंग के लिए, जैसे ये कस्टमर की डिमांड होती है ये वाले, कि हमें बंद डब्बा चाहिए इस तरह का जी, उसको हम ये देते हैं। ये तो बड़ा अच्छा है, ये 230 के अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। ये केक इसके अंदर आ जाता है, ऊपर से ये बंद ऐसे हो जाता है। अच्छा ये तो यार बड़ा अच्छा चीज है यार। सही है, ये कितने का पड़ेगा फैसल भाई? ये सिर्फ 60 रुपीज का। 60 रुपीज बस, ये तो गत्ते से बेहतर है, बहुत बेहतर है। सही है। उसके बाद आ जाते हैं हम ये फ्रोजन आइटम पे। सही है, ये हमारे पास फ्रोजन आइटम है, ये होता है बटर। अच्छा ये बटर है? बटर, और ये इसके प्राइस 850 रुपीज। ये कितना है ये? 1 केजी का पैक, 1 केजी का 850 प्राइस है। अच्छा फसल भाई, को किसी को 200 ग्राम चाहिए हो या आधा चाहिए, वो मिलता है या नहीं मिलता? वो इसकी पैकिंग सिर्फ 1 केजी की ही है। 1 केजी तो हमारे होलसेल रेट होते हैं, तो इसके लिए कस्टमर की डिमांड यही होती है, वो ज्यादा लेते हैं जी जी, क्योंकि हमारे प्राइस कम है, तो वो सिर्फ 1 केजी से कम मांगते भी नहीं। सही है, ठीक है। अच्छा फसल भाई, चीज की भी बड़ी डिमांड है, तैयार होती है। अच्छा ये देखें, ये 70-30 होती है, चैडर और मोजरेला मिक्स। अच्छा 70 चैडर होती है या मोजरेला होती है? चैडर होती है, जो वो 70 होती है, और मोजरेला 30 होती है। 30 होती है जी। अच्छा ये 1 केजी की पैक होती है। अच्छा इसका 1300 रुपए 1 केजी प्राइस है। अच्छा 1300 रुपए, सही है, ये भी मुनासिब है। 1500 रुपए इसका रेट है। अच्छा ये फ्रॉस्टी क्रीम होती है हमारी, सही है, ये सब फ्रॉस्टी क्रीम है। अच्छा जी 1 केजी के। अच्छा सही है, इसके क्या रेट हैं फैतर भाई? ये हम 500 रुपीज इसका होता है, 480 की भी दे देते हैं। और ये कितनी होती क्वांटिटी इसकी? 1 केजी होती है। 1 केजी होती है जी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फॉन्डेंट के मोल्ड्स हैं जो कि केक में यूज होते हैं, ठीक है।
इसके अंदर आप फॉन्डेंट डालेंगे, इसको निकालेंगे तो उसी डिजाइन में ये मोल्ड की शेप आएगी। अच्छा, इसकी प्राइसेस क्या क्या है कुछ बताएंगे? प्राइसेस मिक्स है, कोई 400 के है, कोई 650 के है, ठीक है। और ये जो जैसे ये शीट है ये 1000 की है, ऐसे इनके मिक्स रेट है। अच्छा, और इसी तरह ये कपकेक के लिए है, डोनट्स के लिए है। अच्छा, ये भी मौजूद है आपके पास? ये भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसके क्या प्राइसेस हैं? इनके मिक्स हैं, कोई 650 के है, कोई 450 के है। ये कितने का होगा? ये वाला 650 के। और ये वाला? ये वाला जो है ये 450 के। और ये वाला खूबसूरत सा, ये 450 का बड़ा खूबसूरत सा मोल्ड है ये। इधर दिखाएंगे थोड़ा? जी जी, आप देख सकते हैं, इसका डबल यूज है, ये आप शॉप में भी यूज कर सकते हैं। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, वो शॉप के लिए भी लेके जाते हैं। अच्छा, शॉप के लिए तो बहुत ही प्यारा है। कैंडल्स बनानी हो वो भी सिलिकॉन मोल्ड्स में भी बना सकते हैं। अच्छा जी जी, ये उनके लिए भी यूज हो जाता है, और केक्स वगैरह में भी यूज होते हैं, कपकेक वगैरह बनाना हो उसमें भी ये चल जाता है। अच्छा, शॉप के लिए तो बड़ा स्पेसिफिक डिजाइन है, मतलब मार्केटिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सारे टूल्स होते हैं केक्स से रिलेटेड जी, फॉन्डेंट से रिलेटेड, क्रीम से रिलेटेड, वहाँ पास सारी वैरायटी होती है। अच्छा, जरा कुछ लोगों को भी बताएंगे? जैसे कि ये स्मूदर है, फॉन्डेंट के लिए यूज होता है, ऑयल बॉटल ब्रश है, ये मिल जाएगी, फिर डिजिटल थर्मामीटर है, ये भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये भी है, वाह, मतलब बेकिंग में कोई मसला ही ना होते हैं, कॉमन वाला होता है और एक डिजिटल होता है, दोनों ही बेकिंग के लिए होता है, क्रीम का टेम्परेचर देखने के लिए होता है और एक जो होता है ओवन का टेम्परेचर देखने के लिए होता है। अच्छा, कुछ के ऊपर तो प्राइस लिखी हुई, जैसे ये 750 का है, तो जिसकी प्राइस लिखी हुई वो तो मेंशन अब नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप जो शॉप पे आते हो उसको कुछ डिस्काउंट भी कर देते हैं। अच्छा, डिस्काउंट मजीद मिल जाता है? मजीद कर देते हैं। सही। अच्छा, ये क्या चीज है भाई? ये होते हैं स्पंज वगैरह को देखने के लिए, कि बेक हो गया है, सॉफ्ट है या हार्ड है, वो देखने के लिए ये देखा जाता है। अच्छा, इसकी प्राइस भी दिख रही है, स्पंज है वो किस पोजीशन में है। सही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बटरफ्लाईज है, ये भी केक में यूज होती है डेकोरेशन में। अच्छा, केक के ऊपर आपने देखो आपसे बटरफ्लाई लगी होती जी, 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 जी। ये होती है। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिलेगा 80 रुपीस की शीट है। अच्छा, पूरी शीट 80 रुपीस की? शीट 80 रुपीस की है। ये कोई सी भी ले लें इसमें से? कोई सी भी आप कलर ले लें। सही है, ठीक है। उसमें जैसे पफ पेस्ट्री वगैरह लोग लेते हैं ना जी, जी, उसकी कटिंग वगैरह करने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए जी, उसमें यूज होता है। इसी तरह ये फिर फॉन्डेंट के आ जाते हैं, ये फिर क्रीम डाल के, क्रीम जैसे निकालते हैं हम लोग पैकिंग बैग से, बॉटल से भी आप निकाल सकते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, वैरायटी आपके पास अच्छी खासी पड़ी हुई है। ये बेलने हैं फॉन्डेंट को बेलने के लिए, हम बेलते हैं। अच्छा, सही है, ठीक। इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिलेगा 450 का। 450 का, सही है। बॉटल्स केक की डेकोरेशन में यूज होती है। अच्छा जी जी। अच्छा, ये क्या प्राइस है इसकी? ये आपको मिलेगा 850 का। 850 का जी। अच्छा, इसके अलावा ये भी नोजल्स हैं, नोजल्स में काफी वैरायटी होती है, किसी भी शॉपकीपर के पास सारी भी होती है, किसी के पास कुछ वैरायटी है, किसी के पास कुछ वैरायटी है। सही है। ये कॉफी बीटर है, कॉफी वगैरह जब आप बनाते हैं तो ये उसके लिए होता है, और ये भी बिल्कुल मुनासिब कीमत पे 350 रुपए का आपको मिल जाएगा यहाँ से। 350 का? ये सेल ऑपरेटेड है, कैसा है ये सेल आप इस पर डालेंगे, इसकी बैटरी तो फिर ये चलेगा। अच्छा, सही है, ठीक है। ये जो है ये मरीन स्पून, ठीक है, मायरिंग के लिए ये यूज होता है, ठीक है। इसके साथ है वो प्लंजर है फॉन्डेंट के लिए, जैसे हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, सही है, ठीक है। ये मेजरिंग स्टोन हो गया, स्पून हो गया जी। और प्लंजर कौन सा बताया आपने? ये इसके साथ पड़ा हुआ। सही है, ठीक है। इसमें काफी वैरायटी होती है प्लंजर में, जैसे कि ये फ्लावर शेप में भी पड़ा हुआ। सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें काफी ज्यादा शेप होते हैं, कोई डीप होता है, हार्ट होता है, स्टार होता है, इसी तरह काफी वैरायटी होती है। अच्छा, ये जो पीस कटर है। अच्छा, और ये इसका सेट कितने का है? ये आपको मिलेगा 250 रुपीस का। 250 रुपीस का, सही है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वेट स्केल है, कोई भी चीज बनानी है उसका वेट करने के लिए किचन में लाजमी होता है, किसी भी चीज का आपने वेट करना है कितने ग्राम है ये वो, ये उसके लिए बेसिक चीज है, लाजमी यूज होती है। सही है। फिर इसके साथ चॉकलेट्स में माता वैरायटी है। इसकी प्राइस बताएंगे? ये प्राइस आपको मिलेगी 850 रुपीस। 850 का बस? जी जी, बड़ा मुनासिब है। कभी शॉर्ट हुआ हो तो 1000 का भी हो जाता है मार्केट में, लेकिन वैसे इसकी रेगुलर प्राइस 850 है। सही, ठीक है। अब ये पसंदीदा चॉकलेट्स जो हैं लोगों की, जिसके केक्स बनते हैं, इनकी प्राइसेस क्या? पल्स चॉकलेट है, ये लोकल में आ जाती है, ये आपको मिलेगी 750 रुपए की एक किलो। एक किलो, ठीक है। लोकल में वहाँ पर मौका पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपको मिलेगी 1500 तक की मिल जाएगी 2 किलो। अच्छा, डार्क ब्राउन जी जी, और अच्छी क्वालिटी में हमारे पास होती है क्रेव की चॉकलेट। अच्छा जी जी, जो ये है चॉकलेट ना क्रेव की। अच्छा, ये बहुत अच्छी चॉकलेट है, टेस्ट में भी अच्छी है, और वैसे क्वालिटी वाइज टेक्सचर वाइज दोनों में बहुत अच्छी है। अच्छा, ये कितने की पड़ेगी? ये आपको पड़ेगी, पहले तो 2400 की 2 किलो थी, अब इसका रेट 3000 की 2 किलो हो गया। अच्छा अच्छा, किसी को 1 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, दे देते हैं इसको, इसके अंदर ना बनी होती है एक लाइन ना, उसको हम काटें जी जी, तो वो 1 किलो हो जाती है, 1 किलो की। सही है, ठीक है। वो हम कस्टमर के सामने ही देते हैं।
अच्छा, और ये कौन सी है? भी यंग्स कंपनी की है, चोको एक्सप्रेस। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है, आपको 2200 की 2 किलो मिलेगी। 2200 की 2 किलो, इसी तरह इसके पीछे लिखा भी हुआ है, ये यंग्स वालों की चॉकलेट है। अच्छा, इसको भी अगर आधा लेना हो तो मिल जाएगी? जी जी, आधा। इसके अंदर इन्होंने बीच में ये लाइन लगाई होती है, यहाँ अच्छा। आप आधा करेंगे तो आधा हो जाएगी। सही है, ठीक है। ये क्रेव की आधी पड़ी हुई है हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें जिस क्लाइंट को किलो चाहिए उसको भी दे देते हैं। सही है, ठीक है। ये नहीं कि किलो का रेट ज्यादा होता है, 1500 की ही 1 किलो होती है। अक्सर लोग होते हैं ना 1700 की 1 किलो होगी। जी जी जी, हमारा वो हिसाब नहीं है। सही है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेस वगैरह होती है, इसी तरह ये क्रेप मिल्क है, ठीक है। ये भी यंग्स कंपनी की है और इसका जो टेस्ट है वो मिल्क टाइप होगा, और जो कलर है वो ज्यादा डार्क नहीं होगा। सही है, ठीक है। लाइट ब्राउन टाइप होगा। ये भी यंग्स कंपनी की है, बहुत अच्छी चॉकलेट है ये भी ना। सही है, उसकी प्राइस क्या है? ये भी वही रेट है, 3000 की 2। 3000 और 1500 रुपए की 1 किलो। सही, ठीक है। ये मिल्की स्वीट की चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, ये व्हाइट चॉकलेट है, इसमें मिल्क होती है, वो भी पापा आउट ऑफ स्टॉक है, इंशाल्लाह ताला वो भी आ जाएगी। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? ये आपको मिलेगी 1300 की 1 केजी। 1300 की 1 केजी। जी जी, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा कहा है। अच्छा, ये कौन सी डार्क चॉकलेट है? ये बेकहाउस मिल्की फूड वालों की है जी, और अच्छी चॉकलेट है। ये भी कोई हम ये नहीं कह सकते कि बहुत लोकल में है जी, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे क्रेव है इसी तरह ये मिल्की फूड है। और इसकी प्राइस? इसकी प्राइस 1300 की 1 केजी है। 1300 की 1 केजी। और ये कौन सी वैरायटी है? ये चॉकलेट चिप वगैरह होती है। अच्छा, ये इसकी क्या प्राइस है? ऊपर डेकोरेशन करने के लिए 550 की 1 केजी है। 550 की 1 केजी जी। ये हमारा फूड कलर है जी, और ये डलते हैं क्रीम वगैरह में डलते हैं, कुछ लोग फॉन्डेंट में भी डाल लेते हैं, कुछ लोग क्रीम में डालते हैं जी। तो ये काफी मशन के चलने वाली आइटम है, समझ लेंगे केक इसी पे ही सही होता है। सही। पहली बात, आपने उसको कलरफुल करना है तो आपको फूड कलर डालने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। क्या प्राइस है इनकी? ये जो कलर्स हैं सारे ये आपको मिलेंगे 200 का ईच, यहाँ से ये सारी ना इनकी वैरायटी है। अच्छा, ये बॉटल्स में आते थे, अब ये ड्रॉपर में आते हैं, ड्रॉपर से निकालना इजी हो जाते हैं और वेस्टेज भी कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ड्रॉप्स के हिसाब से बंदे को आइडिया भी रहता है, ड्रॉप्स डालने और ये एसेंस, ये एसेंस है, ये पीछे एसेंस पड़ेगा, ये भी बताएंगे जरा। ये फ्लेवर देने के लिए यूज होता है, जैसे किसी भी चीज में आपको फ्लेवर देना हो ना, ये उसमें यूज होगा। और इनकी प्राइसेस क्या है? इनकी प्राइसेस मिक्स होती है एसेंस की ना, जैसे कि ये 100 रुपीज का जस्ट ना। सही है, 100 रुपीज का आपको इंच मिलेगा ये। सही, ठीक है। बिरयानी एसेंस है, इसी तरह इसमें वनीला होता है और लेमन होता है, फिर मिक्स रेट होते हैं उनके ना, जैसे जैसे। सही, ठीक है। इसी तरह ये जेल कलर्स होते हैं, जैसे कि वो क्रीम में यूज होते हैं। जी जी। आपको जैसे मैंने पहले फॉन्डेंट के टूल्स दिखाए, इसी तरह एक फॉन्डेंट होती है, उसमें ये फूड कलर्स चलते हैं, जेल। अच्छा, कलर। सही, ठीक है। जेल कलर ये ज्यादा मुंह को भी नहीं लगते, जैसे लिक्विड लगते हैं फॉन्डेंट को, ये स्टेबल रहने देते हैं, ज्यादा क्रैक्स भी नहीं आते इनसे ना, तो जेल कलर बेस्ट रहता है। और इसकी प्राइस क्या है? ये 350 का ईच कलर है। 350 का ईच कलर है। सही, ठीक है। ये वो फॉन्डेंट में डालेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो भी बिल्कुल नीट होगा। अच्छा, सही, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास स्प्रिंकल्स हैं केक की डेकोरेशन के लिए, इसमें डिफरेंट डिजाइन होते हैं, आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास काफी वैरायटी है और काफी डिजाइन हैं, और ये बिल्कुल मुनासिब कीमत पे हैं। 30 ग्राम की ये पैकिंग होती है, 300 रुपए की आपको मिलेगी। और केक के ऊपर जैसे डेकोरेशन अक्सर लोग समझते हैं कि पता नहीं नकली मोती लगाए हुए हैं, कुछ ऐसा नहीं है, ये लोग ये एडिबल होते हैं, शुगर से बनते हैं ये। अच्छा जी जी। गोल्डन सिल्वर डस्ट होती है जी, ये डिब्बियों में होती है, ये केक की डेकोरेशन के लिए यूज होती है, जैसे आप समझ लें कि केक के ऊपर अगर आपने कोई पेंट करना है तो ये उसमें यूज होगी। सही, डिजाइनिंग वगैरह के लिए ना, गोल्डन सिल्वर करने के लिए। इसी तरह ये भी हमारे पास स्प्रिंकल्स हैं। अच्छा, ये भी इसी रेट पे हैं? ये भी इसी रेट पे। इसी तरह हमारे पास ना, ये आप नीचे देख रहे होंगे, फॉन्डेंट की स्टैम्प्स पड़ी हुई है, इसमें भी हमारे पास काफी वैरायटी है, इसमें आप फॉन्डेंट को डाल के पुश करेंगे तो इसी तरह ये डिजाइन आएगा, ये आप कप के ऊपर केक के ऊपर लगा सकते हैं। जबरदस्त। तो इसमें हमारे पास काफी यूज वैरायटी है, हर डिजाइन का, अगर आपको कस्टमाइज भी चाहिए कुछ आपने लिखवाना हो तो वो भी आप लिखवा सकते हैं, मतलब कबूल है हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, हैप्पी एनिवर्सरी हो गया, इसमें काफी मिस्टर एंड मिसेस, वाओ जबरदस्त, बड़ी अच्छी वैरायटी है आपके पास ये। अच्छा, इसके अलावा भी कोई लिखवाना हो तो लिखवा सकते हैं? जी 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 जी, आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस आपको मिलेगी 200 रुपीज की। 200 रुपीज की जी जी। सही है, और क्वालिटी काफी अच्छी है, इसमें हल्की क्वालिटी की भी होती है, लेकिन हम लोग अच्छी क्वालिटी सेल करते हैं कि कस्टमर हमारा रिपीट हो। ठीक है, ठीक है। क्या है ये? ये कटर्स हैं फॉन्डेंट के ना, जैसे कि फॉन्डेंट भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप इसको डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फॉन्डेंट के में पुश करेंगे तो इसी तरह का ये डिजाइन बाहर आ जाएगा। सही है जी जी। इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिलेगा तकरीबन 600 रुपए का। इसी तरह ये फॉन्डेंट होता है जिसका मैं आपको बता रहा था जी, ये गम पेस्ट टाइप होती है। सही है, ये इससे फिर आगे ये कटर्स के साथ डिजाइनिंग्स होती हैं और सारा होता है। अच्छा अच्छा, ये शक्ल आती है, ये देख सकते हैं, ये है। सही, अच्छा, ये चीज होती है, हम भी देखते थे, होती क्या चीज है ये। सही है, ठीक है।
अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, आपको कोई भी कलर चाहिए हो वो आपको मिल जाएगा। सही है। पाउडर है, सही है। बेकिंग पाउडर है ये, आपको आप लोगों को तो पता ही होगा जो होम बेकर्स हैं कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। और ये इसी तरह जैसे आइसिंग शुगर है, ब्रेड क्रम्स है, ये भी आपको हमसे मिल जाएंगे। अच्छा, बेकिंग पाउडर की क्या प्राइस है? बेकिंग पाउडर जो है वो 750 का, जो आइसिंग शुगर है ये 250 की है। ये 250 की। होम बेकर्स को पता होता है जैसे चीनी होती है, इसी तरह ये जो आइसिंग शुगर है पीस भी चीनी होती है। सही है, सही। कॉर्नफ्लोर वगैरह भी ऐड होता है जिसकी वजह से ये जमती नहीं है और काफी जगहों पे ये यूज हो जाती है। सही है, ठीक है। ये कटआउट्स हैं जो कि डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं केक के ऊपर, जैसे आपने कपकेक के ऊपर कुछ भी डिजाइन करना हो उसके डिजाइन में यूज होते हैं। एक पैकेट में ये 10 पीस होते हैं और ये आप लोग कपकेक के ऊपर जैसे रख दिया, जैसे केक टॉपर रखते हैं इसी तरह कटआउट्स वगैरह भी रखते हैं। अच्छा, और इसकी प्राइस क्या है? ये आपको मिलेगा 250 का पैकेट, इसमें 10 पीसेस होते हैं एक पैकेट में। सही है, ठीक है। वकार भाई, आपने इतनी सारी चीजें दिखाई, लेकिन लोगों को अपना एड्रेस भी बताएंगे ताकि लोग इजीली आ सकें। और ऑनलाइन करते हैं आप लोग क्या? जी, हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं। हमारा वकार बेकिंग गुल आप लोग यूट्यूब पे लिखेंगे तो उसमें हमारी सारी वीडियोस आ जाएगी, उस पर हम लोग सिखाते भी हैं लोगों को। अच्छा। स्पंज बनाना, क्रीम लगाना, फॉन्डेंट का काम हम लोग सब सिखाते भी हैं यूट्यूब पे। सही। और इसके कोई चार्जेस नहीं है। और इसके अलावा हमारा जो एड्रेस है वो लाहौर गुलबर्ग में है, मेन मार्केट में, ठीक है, ओडिगा सेंटर की बैक साइड पे, गुलबर्ग आर्केड प्लाजा, तो ये वहाँ पे है। सही है। की लोकेशन तो आप लोग गूगल पे भी लिखेंगे वकार बेकिंग गुल तो लोकेशन आ जाएगी, लाहौर की मेन मार्केट। और ऑर्डर लोगों ने करना हो तो आपका फोन नंबर क्या है? फोन नंबर है 03224348061। सही। और दुकान की टाइमिंग क्या आपकी? दुकान की हमारी टाइमिंग होती है 11 बजे से लेके 8 बजे तक। और संडे ऑफ? संडे को हम लोग होते हैं 1 बजे से लेके 4 बजे तक। 1 से 4 तक होते हैं। जी जी, सही है, ठीक है। और हमारी पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी भी आप लोग घर बैठ के भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो आप लोगों को डोर स्टेप पे सामान मिल जाएगा। अच्छा, लोगों की एक और भी क्यूरी होती है कि चीज या क्रीम अगर मंगवाएं आउट ऑफ सिटी तो खराब तो नहीं होता? क्रीम और चीज हम लोग आउट ऑफ सिटी नहीं बेचते, हम लोग आपको भी ये कहेंगे अगर कोई आपको दे रहा है तो आप ना लीजिए, क्योंकि उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो फ्रोजन आइटम है, जब वो बाहर ज्यादा देर रहेगी तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। बाकी मोल्ड वगैरह हर चीज मिल जाएगी आपके पास? बाकी जो फ्रोजन आइटम के अलावा है वो हर चीज आपको डिलीवर हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।